कोरोना वायरस के डर से एहतियातन तौर पर प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर को खाली करवाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के अभिभावकों को दूरभाष के माध्यम से सूचना दे दी गई है। इसके साथ साथ स्कूल प्रशासन ने उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी की है जिनके परिजन उन्हें लेने अभी नहीं आ सकते या आने में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय CBSE के तहत तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसी तर्ज पर शिक्षण संस्थानों को भीड़ मुक्त किया जा रहा है। कोरोना वायरस के डर से एहतियातन तौर पर प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर को खाली करवाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के अभिभावकों को दूरवास के माध्यम से सूचना दे दी गई है। इसके साथ साथ स्कूल प्रशासन ने उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी की है जिनके परिजन उन्हें लेने अभी नहीं आ सकते और आने में देरी हो सकती है। बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय CBSE के तहत तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इसी तर्ज पर शिक्षण संस्थानों को भीड़ मुक्त किया जा रहा है। सैनिक स्कूल सुजानपुर में 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जमा दो का केवल मात्र एक पेपर कंप्यूटर का होना बाकी था जिसे 21 मार्च को लिया जाना था। निर्देशों के चलते अब उस परीक्षा को नए निर्देश आने तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में स्कूल में भीड़ न हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था का माहौल न बने, सुरक्षा के मद्देनजर सैनिक स्कूल प्रशासन स्कूल के सभी छात्रों को घर भेज रहा है। इसके लिए बच्चों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और परिजन लगातार स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। स्कूल उपाचार्य विंग कमांडर जसकरण सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार एवं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत निर्देश मिले हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल के बच्चों को घर भेजा जा रहा है। जो बच्चे अभी नहीं जा सकते हैं उनके परिजन उन्हें लेने में देरी से पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था स्कूल में रहेगी। जमा दो की एक परीक्षा कंप्यूटर को नए निर्देश मिलने तक स्थगित कर दी गई है।